हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का दृष्टि स्पीशियस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अपना ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, मैं शुरू करते हैं 3 MCQs की सीरीज को। ठीक है, शॉर्ट रखेंगे वीडियो को ताकि थोड़ा जल्दी रिवाइज कर सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी करें। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया एज पर 2009 डेटा बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ठीक है, और देखो आंसर तो इसका डायरेक्टली क्या है, 51.09%, ये आंसर है ए। बट आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में से कि जो हमारा एग्रीकल्चर डेटा है उसको कौन बनाता है, कौन तैयार करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी उसको तैयार करता है। और कितना परसेंट एरिया के पास हमारे पास एग्रीकल्चर या इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है ये बताएगा कौन, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी कितना है, 51.09%। ठीक है, इरीगेशन बहुत जरूरी होता है सॉइल के लिए। आजकल मेनली हम लोग 3 प्रकार से करते हैं, कैनाल, ट्यूबवेल और मेनली आजकल जो हमारे मॉडर्न आ गए हैं ड्रिप या फिर स्प्रिंकल इरीगेशन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत सारे उर्वरक या फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर में ताकि प्रोडक्टिविटी एनहेंस करी जा सके। तो उसी से क्वेश्चन है कि डीडीटी एडवर्सली अफेक्ट्स आर एनवायरमेंट बिकॉज। डीडीटी क्या है? एक हमारा उर्वरक है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, है ना, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, डीडीटी फुल फॉर्म ऐसी। पर पूछ रहा है कि इसका प्रभाव क्या आता है पर्यावरण पर। पहला, इट कैन किल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स लाइक हनी एंड बीज, हनी बीज। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इट कैन अलाउ ग्रोथ फॉर हार्मफुल इंसेक्ट्स। ठीक है, तीसरा, इट कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स, इट कैन किल हार्मफुल इंसेक्ट्स। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि एडवर्सली एडिटी एडवर्सली इफेक्ट इन्वायरमेंट बिकॉज। अब इसकी दिक्कत क्या है कि जब ये सारे काम कर रहा है वो, इट कैन ग्रोथ हार्मफुल इंसेक्ट को रोक रहा है ना, इनको कम कर रहा है, तब तो ठीक है। बट ये क्या करता है, जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जो अच्छे हमारे जीव हैं, उनको भी रोकने लग रहा है, जो कि एक प्रकार का क्या है, केमिकल है पूरा। ठीक है ना, तो आंसर है इसका ए, इसका दुष्प्रभाव, इसका हार्मफुल इफेक्ट कब दिखता है, जब ये हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी रोकने लगता है। अभी लास्ट ईयर इसका एक सवाल आया था यूपीपीसीएस में, डीडीटी क्या है। तो डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच को क्रॉप ग्रोज बेस्ट इन एरियाज विथ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड रिक्वायर टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना कह रहा है, 21 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल कह रहा है अबाउट 100 डिग्री, 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो आंसर है इसका, जो हमारा गन्ना है शुगर केन, उसे लगभग 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है ना, 37 डिग्री तक, और वर्षा बहुत अच्छी चाहिए होती है, पानी बहुत चाहिए होता है गन्ने को। तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एक अच्छी अमाउंट ऑफ वर्षा है करने को चाहिए। और थोड़ा हमारे जैसे यूपी का रीजन जो है वहाँ अच्छा लगता है, तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो, इन द गिवन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मिंग ऑफ इंडिया, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, भारत की खेती की दी गई मुख्य विशेषताओं में से आदि जीविका कृषि की विशेषता क्या है, कौन सी उस प्रकार की कृषि है जो हम आदिकाल से करते आ रहे हैं, फिर जो बहुत पुरानी हो चुकी, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना जो हो गया है। ठीक है, तो देखो भाई, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम हमेशा से यूज नहीं करते थे, ये मॉडर्न टेक्निक है जो यूज कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, इनकी जानकारी अब हमें हुई है कि हमारी फसल में बहुत सारे कीड़े होते हैं, कीटनाशक होते हैं, जिनको हमें रोकना चाहिए, तो ये भी नई चीज है। ये है हमारे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये तो एकदम नई चीज है। रेवोल्यूशन के टाइम पे जो हमारी हरित क्रांति हुई थी, तो हमने इन सीड्स को बांटा भी था, तब से इनकी शुरुआत होती है। पर प्रिमिटिव की बात करेगा तो ये जो है हमारा स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं इसको, कर्तन और दहन कृषि। इसमें क्या होता है, किसी खेत को, मान लो आपका खेत है जहाँ पे कोई फसल खड़ी है, आप फसल लगाएंगे, फिर उसे काटेंगे, फिर से उस पर फसल लगा देंगे, और जब तक उस भूमि भूमि पर फसल लगाते रहेंगे, तब तक कि उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो कम ना हो जाए, जो उसकी फर्टिलिटी है पूरी खत्म ना हो जाए। इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को इंडिया में
झूम के नाम से जाना जाता है, झूम खेती है ना, झूम कल्टीवेशन। और इसके आप पढ़ेंगे कि इसके वर्ल्ड में बहुत सारे नाम है, जैसे कि एक दो नाम बता देता हूं मैं कि झूम कल्टीवेशन को वर्ल्ड में ब्राजील में, जैसे ब्राजील में आपको जानो, ब्राजील में से रोका कहते हैं, रोका, ठीक है। वेनेजुएला एक देश है हमारा, वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम है, इसी पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा किसी दिन, किसी अपनी पीडीएफ में जोड़ दूंगा, पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज डिस्क्राइब्ड एज, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, है ना, दोनों के लिए काम में आती है। इट इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप है, और टेम्परेचर 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस में अच्छी ग्रो कर पाती है। कैसी? ओल्ड एलुवियल सॉइल पर, कि हमारी जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसके ऊपर बेहतर तरीके से ग्रो कर पाती है, उग पाती है। तो आंसर है इसका मक्का, जो हमारा मेज है, ठीक है ना। देखो पहली बात, ओल्ड एलुवियल सॉइल तो राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ मक्का बहुत अच्छा उगता है, वहाँ पे क्या पुरानी जलोढ़ मृदा है, तो यहाँ पानी था, नदियों का पानी था, थोड़ा कम हो गया है, पुरानी जलोढ़ मृदा मिलती है हमको, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। एक प्रकार की खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल खरीफ क्रॉप है हमारा मक्का जो है, खरीफ क्रॉप। तो सर खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? खरीफ फसलें वो होती हैं, खरीफ क्रॉप वो फसल होती है जिनका टाइम पीरियड जून से लेके अक्टूबर तक होता है, कि जो हमारा मानसून का समय है ना, जो हमारा वर्षा का समय है, तब इनको बोया जाएगा जून सितंबर, जून अगस्त के टाइम पर, और इनको अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इनको काटा जाएगा, हार्वेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। वो कैसी क्रॉप होती हैं? खरीफ क्रॉप। अभी दूसरा नाम आएगा राबी क्रॉप, उसको भी मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन वही देखो, वो सवाल आ गया, खरीफ क्रॉप, खरीफ सीजन इन इंडिया लार्जली कोइंसाइड्स विद, ठीक है ना, इसके साथ मेल खाता है। तो जिस समय हमारा मानसून आता है वही हमारा टाइम होता है खरीफ क्रॉप का। तो मतलब कि साउथ वेस्ट मानसून, जो कि हमारा जो मानसून है वो कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, जब ये मानसून आ रहा होता है तभी हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी क्रॉप उग रही है, खरीफ क्रॉप का उग रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन झारखंड द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड। अब एक प्रकार की, जैसे मैंने बताया झूम कल्टीवेशन, जो झूम नाम है ना, एक तो वो नाम है जो पूरे इंडिया में यूज होता है झूम, बट मेनली ये नाम नॉर्थ ईस्ट में यूज होता है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। तो वो जो हमारा टाइप ऑफ कल्टीवेशन है स्लैश एंड बर्न, उसको झारखंड में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कुरुवा, क्या कहते हैं, कुरुवा, झारखंड के क्षेत्रों में कुरुवा कहा जाता है स्लैश एंड बर्न, या फिर प्रिमेटिव एग्रीकल्चर को, प्रिमेटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन को, ठीक है। अगला बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इन इंडिया इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज कुरुवा। अच्छा ये तो रिपीट होगा क्वेश्चन, कहाँ है भैया, ऑप्शन बदल दिए थोड़े से, स्टेट ऑफ झारखंड, झारखंड में लोग इसे क्या कहते हैं, कुरुवा, झूमिंग कल्टीवेशन का एक उदाहरण है। और इसका नाम देखो ये लिखा हुआ, झूमिंग नाम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, मेनली आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वाले क्षेत्रों में। इसे पामलाऊ क्या कहते हैं मणिपुर में, एक और नाम पढ़ लो भाई, पामलाऊ कहाँ कहा जाता है, मणिपुर में। दीपा, दीपा कहाँ कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक है, और अंडमान निकोबार में भी दीपा कह देते हैं। चलिए तीन नाम हमने सीख लिए, एक नाम है झूम, देखो एक नाम है झूम, एक नाम है कुरुवा, एक नाम सीख लिया दीपा, और एक नाम सीख लिया अभी पामलाऊ, और दो इंटरनेशनल नाम बता दिए मैंने, एक बता दिया रोका और एक बता दिया ओनुको। ये सब किसके नाम है, किसके नाम है, ये सब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के, या फिर कल्टीवेशन के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया लॉस्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डैश ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। अब जो हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा है, जो सिंध वाला हिस्सा जो था, जो पहले हमारा पार्टीशन से पहले हमारा इंडिया का हिस्सा था पूरा, वो जब पार्टीशन हो गया तो उधर चला गया, इसलिए मेनली इन चारों में से देखो जो नाम लिखे हैं, सोयाबीन, जूट, कॉटन और सनफ्लावर, पंजाब के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, कॉटन उगाई जाती है। बढ़िया, कॉटन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत प्रमुख हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान की तरफ चला गया, ठीक है ना, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। चलिए ये कह रहा है, इंडिया लॉस अ लार्ज पोर्शन ऑफ कॉटन
कॉटन ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फूड क्रॉप ऑफ द सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। कि मेन फूड क्रॉप कौन सी है इसकी, सेमी एरिड क्षेत्रों की, अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वहां का मुख्य खाद्य फसल कौन सी होगी। तो ये इसका नाम है हमारा, वैसे मक्का है क्योंकि मेनली जो हमारे मोटे अनाज जिसे हम कहते हैं ना कोर्स कोर्स सीरियल्स, उनकी फसल हमारे ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पानी की कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है, शुष्क क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है ये, किसका आंसर इसका, सोरगम, सोरगम की बात कर रहा है। अच्छा अब देखो ये जो तीनों है ना, तीनों तीनों ही उगते हैं सबसे ज्यादा, ज्वार भी उगता है, ज्वार मतलब सोरगम, ठीक है, मेज मतलब मक्का और बाजरा मतलब बाजरा दही, तो ये तीनों उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किसकी है, तो आंसर ज्वार है, ज्वार का परसेंटेज ज्यादा है 5.3%। ठीक है, टोटल कितना परसेंट सबका मिला के, 16.5%। सॉरगम इज द आंसर, ज्वार आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्ड कायरा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड एक्सपेंड इट वर्क्स एंड अशरिंग इन द व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, सीधा पूछ रहा है कि व्हाइट रेवोल्यूशन की जो क्रांति हुई थी, बोला जाता है दुग्ध क्रांति, उसमें किसका योगदान था बहुत ज्यादा। तो सभी को पता है कि हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसको बोला जाता है, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन को। ठीक है ना, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन को क्या बोला जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर को बोला जाता है। और इन्होंने ये जो हमारी कंपनी है कायरा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म अमूल से हम लोग कहते हैं, अमूल कंपनी है ना, वहां पे इसको डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करी थी, इसलिए आज अमूल के जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं इनकी वजह से, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। तो आंसर है इसका, देखो बहुत सारे नाम लिखे हैं यहाँ पे, आंसर है इसका हमारा क्या, रागी, रागी है बिल्कुल। कि जब हमारे यहाँ खरीफ मतलब जून से सितंबर का टाइम है ना, जब मानसून आ रहा होता है, तो मेनली थोड़ा मोटा अनाज है, तो राजस्थान के क्षेत्रों में रागी उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है, राजस्थान के क्षेत्रों में। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जब सूरज लौट रहा होता है, मानसून लौट रहा होगा, तो जब धूप ज्यादा होती है तो ये वहाँ उगाई जाती है। ठीक है, हमें पता ना वो ज्योग्राफी वाला हिस्सा, सन ट्रेवल करता है, तो हीट जब नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होती है तो नॉर्थ इंडिया में इसको ग्रो करते हैं, जब हीट साउथ इंडिया में ज्यादा होती है तो इसको साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन वेराइटी ऑफ कॉफी कॉफी इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यमन। ये सबने सुना होगा, अगर सुना भी नहीं होगा तो तुक्का बड़ा खाना है इसका। यमन कहाँ आता है भैया, अरब के क्षेत्र के पास, कॉफी का नाम है अरेबिका। ठीक है, अरेबिका नाम की कॉफी है जो भारत में कहाँ से आई है, यमन से आई है। करेक्ट आंसर इज अरेबिका कॉफी कहाँ से आई है भैया, यमन के क्षेत्र से। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन कैटेगरी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती है मेनली, जिनको हम लोग बोलते हैं नगदी फसलें, इनसे हम मेनली कुछ पैसा, अच्छा हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न कमा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा प्लांटेशन क्रॉप है वो है कॉफी, कॉफी जो हमारी प्लांटेशन क्रॉप है, मेनली इसको या तो एक्सपोर्ट किया जाता है डायरेक्टली बेचा जाता है। और कौन कौन सी है फेमस प्लांटेशन क्रॉप, देख लीजिए, टी, टी हो गई, कॉफी, शुगर केन है ना, कैश्यू, काजू की हो गया, रबर, बनाना और कॉटन, ये सब क्या है प्लांटेशन क्रॉप्स, या फिर इनको हिंदी में बोलते हैं नगदी फसलें। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्टली पेयर्ड। तो पूछ रहा है कि इसने स्टेट्स के नाम लिखे हैं और एक फ्रूट का नाम लिखा है, मैच कर रहा है, सही लिखा है कि नहीं। देखिए एप्पल हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ठीक है, मिलते हैं, ऑरेंज नागपुर हमेशा से फेमस, संतरे कहाँ के फेमस है, नागपुर के, और बनाना केरला के बिल्कुल फेमस है, बहुत ज्यादा हाथी है, हाथी वहाँ खाते भी बहुत ज्यादा। पर जो गुआवा है, गुआवा, गुआवा तेलंगाना का नहीं है, गुआवा यूपी का बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अमरूद जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश का फेमस है, तेलंगाना का क्या फेमस है, तो यहाँ लिखा हुआ है
तेलंगाना का मैंगो आम फेमस है ना, इसलिए गोवा का आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? आंसर है ए। चलिए देखिए 15 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, और इस टॉपिक के एक और वीडियो लेके आऊंगा मैं, उसमें और 15 क्वेश्चंस होंगे तो हम थोड़ा और पढ़ेंगे। इससे क्या है, एग्रीकल्चर के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो हम कवर कर पाएंगे। एग्रीकल्चर का एक पोर्शन और होता है क्वेश्चंस के मीडियम का, कि करंट का पूछता है कि इस साल सबसे ज्यादा मैंगो का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, इस साल सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, तो इसके लिए डेटा आता है एंड में, ठीक है ना। जो हमारा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वो इसकी लिस्ट जारी करती है। तो जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है, मतलब लगभग मई के टाइम पे, उससे पहले मार्च के टाइम एक लिस्ट आएगी, उसको हम तभी डिस्कस करेंगे, तो एकदम फ्रेश डेटा जो आपको करंट अपडेटेड होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप आईएएस और पीएस की ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो ये हमारा सेंटर है रश्मि आईएसपीसी अकेडमी आगरा में, ठीक है। आप लोग इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी, बैच वाने कौन से चल रहे हैं, किस टाइम पे चल रहे हैं, सारी दी जाएगी। और इसके अलावा हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, जो आपके कमेंट्स हो, जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखिए, और प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।